यहाँ पे 3PL प्रीमियर पार्टी प्लेटफॉर्म लीग का यहाँ पर दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ देखिए, और इस खूबसूरत भव्य मंच पर अपनी गरिमा में सेमीफाइनल टू में पौरी फाइटर्स को और एक बार फिर से 5 ओवर में 45 रन बनाने हैं। देखिए उनकी टीम लॉरी भाई, सेकंड प्राइज स्टोरी टाइगर्स। दोस्तों हम बढ़ते हैं फर्स्ट प्राइज की ओर। हिमालय 11 चैंपियन 3PL सीजन 3। यहाँ पे हिमालय 11 की टीम ने ये 3PL सीजन 3 की ट्रॉफी को डेडिकेट किया है हमारे सिलवासा से आए हुए 3 खिलाड़ी जिनका नाम है प्रदीप, वेपोल एंड अजय। सो ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिमालय 11 और आगे भी वो लोग ऐसे ही यंग टैलेंट को चांस देते रहेंगे। हमारे फाइनलिस्ट टेरी टाइगर्स टीम के कैप्टन हरीश काला जो कि हिमालय 11 से फाइनल में हारे, लेकिन बहुत अच्छा गेम दिखाया। हरीश भाई को कैसा लग रहा है टूर्नामेंट खेल के? बहुत अच्छा लगा टूर्नामेंट में खेलकर। हिमालय के अगेंस्ट खेलना ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगता है। सारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं, हम तो रेगुलर प्लेयर नहीं है, बट फिर भी हमने अच्छा खेला, भले थोड़ा रन कम पड़ गया तो जीत जाते हैं। और रही बात टूर्नामेंट की, तो टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ। अपना पार्टी टूर्नामेंट था, खाना बहुत बढ़िया था, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया था, और आगे भी चलता रहेगा ऐसे ही। थैंक यू हरीश भाई। और टेरी टाइगर्स टीम क्वालिटी टीम बन गई है, तो इनको हैट्स ऑफ देना चाहता हूं कि इनका गेम अभी चेंज हो गया है, दर्जा बढ़ गया इन लोगों का। 3PL 2022 के जो विनर टीम है हिमालय 11, उनके कैप्टन जो है भरत भाई। भरत भाई को कैसा लगा टूर्नामेंट? अरे बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, कल मैं आ नहीं पाया, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन आज खेला, बहुत अच्छा लगा, अच्छा टूर्नामेंट हुआ और बहुत अच्छा टीम ने सपोर्ट किया, अंपायर ने भी और कमिटी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और आपको जो लेवल था वो थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है कि कैसा लग रहा है? नहीं, ऊपर ही गया लेवल, अभी अपना UPL में जितना भी टूर्नामेंट हो रहा है अपने UPL के अंदर उत्तराखंड के लेवल ऊपर ही होते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और इससे भी और अच्छे प्लेयर आएंगे। और इस बार UPL में कुछ खास, कुछ अलग? कुछ खास अलग मतलब चार टीम बढ़ गए हैं, ललित तुझे भी मालूम है, ललित भी पार्ट है हमारी टीम का, चार टीम ज़्यादा है तो कंपटीशन अच्छा होगा, प्राइजेस भी अच्छे हैं, अच्छा टूर्नामेंट होगा और अच्छा ग्रैंड सक्सेस होगा। हमारे लच्छी भाई है हमारे साथ हिमालय 11 के। लच्छी भाई को टूर्नामेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसा था टूर्नामेंट का? जो पिछले साल से ये साल का जो स्टैंडर्ड है काफ़ी मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी प्लेयर थे और उत्तराखंडी टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड अभी पता लगता है हम लोगों को कि काफ़ी ऊंचा गया हुआ है और काफ़ी अच्छा कम्पिटिटिव टूर्नामेंट देखने को मिला। ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छा था, स्पेशली इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में टूर्नामेंट थोड़ा सा आगे गया लेकिन उसकी गरिमा को बनाए रखा। थैंक यू 3PL दिलीप बीस जी का बहुत धन्यवाद, ललित मेहता, लोकेंद्र ओझा और 3PL कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने उत्तराखंडी टीम को एक प्लेटफॉर्म दिया कि अपने अपने टीम का हुनर, अपने प्लेयर लोगों का एक टैलेंट को सामने रखे। थैंक यू वेरी मच। लवेश मेहरा, लवेश भाई टूर्नामेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? टूर्नामेंट अच्छा लगा और बहुत आउटफील भी अच्छा था, खेलने को मजा आया और ये तीसरी बार हो रहा है और ग्राउंड स्टाफ भी अच्छा था, कमेटी अच्छी थी। देवेंद्र जी, आप इस बार पहली बार पौड़ी लायंस टीम की अगुवाई की आपने जो कि उरन से आते हैं, पहली बार आपने उत्तराखंडी टूर्नामेंट में पार्ट लिया, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, 3PL में हमको मतलब पहले पार्टिसिपेट करने को मिला, बहुत अच्छा हमको लगा। हम पूरी 3PL टीम को मतलब उसको मेंबर को हम सबको धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमको काफी अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा। हमारी हिमालय 11 की टीम है जो विनर है 3PL सीजन 2022 की। सो इनके प्लेयर्स देखिए, जो विनिंग टीम के प्लेयर्स थे वो आपको दिखेंगे, भरत भाई के साथ लच्छी भाई, राकेश कतायत, प्रदीप, लवेश मेहरा, वीरू, सभी ये जो प्लेयर है काफी अच्छा खेले और 3PL 2022 की इन्होंने शोभा बढ़ाई। हिमालय 11 चैंपियंस ये पे फुर रहे। जो आप सीजन 3PL 2022 का आपने जो पूरा देखा, उसके जो मेन जो बैकबोन थे वो ये सभी हैं, तो इनको हमेशा याद रखिएगा कि 3PL सीजन 2022 में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, इन सभी की, इनके वजह से ये टूर्नामेंट सक्सेस हो पाया है। तो 3 cheers for 3PL। हिप हिप, हुर्रे।